सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र जिला पीलीभीत के जिला अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि हाल में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे बहुत जगह पर किसानों के गेहूं की फसल खराब हुई है। पत्र में वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को बताते हुए कहा कि इस दैवीय आपदा का तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्त उप जिला अधिकारियों को जहां जहां बारिश के कारण गेहूं की फसल के साथ अन्य नुकसान हुए हैं, ऐसे ग्रामों में यथा शीघ्र खराब हुई फसलों के नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलाने हेतु संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने का कष्ट करें। ये सांसद वरुण गांधी ने अपने पत्र में कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा है और जिलाधिकारी को लिख के बताया गया है कि किसानों की फसलों का मुआवजा दिलाए। अब इस मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे संवाददाता उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी बताए क्या है मामला? जी बताना चाहेंगे कि अभी हाल में ही बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया है और गेहूं की स्थिति बहुत ही खराब है। इसको देखते हुए पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और साथ ही पीलीभीत के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए, जिससे कि किसानों की स्थिति में सुधार हो। जी तो उमेश जी हमें बताइए कि क्या इसके बाद किसी अधिकारी ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? बताना चाहेंगे ये जो है पत्र कल 4 तारीख को ही सौंपा गया। ठीक है जी, 4 तारीख को भेजा गया और देखते हैं कि इस पे कि जो कर्मचारी अधिकारी है इस पर कितना अमल करते हैं, क्या जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं। तो ये जो वरुण गांधी जो भाजपा के ही सांसद हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, तो इसके बाद क्या विपक्ष से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि वरुण गांधी को हमेशा देखा जी उमेश जी वरुण गांधी को हमेशा देखा जाता है कि अपने ही सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं और बयानबाजी देते रहते हैं। जी बताना चाहेंगे वरुण गांधी जी है जो लगातार देश के मुद्दों और अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों पर लगातार बात करते हैं। जी उमेश जी आपकी आवाज कट रही है। किसी भी आपदा का नुकसान होता है तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जी वरुण गांधी को लेकिन उमेश जी हमेशा देखा जाता है कि अपने ही सरकार को हमेशा घेरते रहते हैं, जिसके ऊपर विपक्ष भी हमला बोलता है। जी बिल्कुल, वरुण गांधी जी हमेशा जो है मुद्दों को उठाते रहते हैं, वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी सरकार के हम सरकार को घेर रहे हैं लेकिन या किसी अन्य प्रकार की बात करें, वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, जो देश हित में होती है वही बात करते हैं। जी तो आप विपक्ष को तो ऐसे में एक मौका और मिला है, तो क्या विपक्ष की तरफ से किसी नेता ने या सपा की तरफ से या कांग्रेस की या बसपा की तरफ से किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया दी है? नहीं सर अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अभी तक किसी विपक्ष की नेता की तरफ से जैसा कि उमेश जी बता रहे हैं कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों की आवाज उठाई है और पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस खबर से रूबरू कराने के लिए। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए बैठे हैं, इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे।